हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोर क्वेश्चंस आपको दिया गया है। एक्सरसाइज 1G का जितने भी प्रॉब्लम इसके पहले था वो हमने समझा कर आपको बता चुका हूँ, और आज जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, बनाना आपको होगा। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन वाइज इसको समझने की कोशिश करें, और आप इसको स्वयं बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 12। राहुल हैड ए रोप 325 हॉल 4x5 मीटर लॉन्ग। राहुल के पास एक रस्सी है जिसका लेंथ है 325 हॉल 4x5 मीटर है। ही कट ऑफ, वह 150 और 3x5 मीटर का टुकड़ा उसे काट लेता है। समझ रहे हैं? आपका टोटल लेंथ है ए, इसमें से इतना का टुकड़ा काट कर अलग कर लेता है। तो काट कर अलग करने का मतलब क्या? उससे माइनस कर लेता है, यानी उसे सब्ट्रैक्ट करके उसको हटा देता है। तो हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेंथ है रोप का, रस्सी, रोप मीन्स रस्सी होता है, इतना लंबी रस्सी है, इसमें से इतना घटा करके हम प्राप्त कर लेंगे। घटा लिया, इतना माइनस हो गया, ठीक है। अब जो आपके पास रस्सी का जो टुकड़ा बचा हुआ है लॉन्ग पीस, देन ही डिवाइडेड, उसको बांटना है। रेस्ट जो बच गया है, बचा हुआ घटाने के बाद रेस्ट जो आपका बचा हुआ रस्सी का टुकड़ा है, रेस्ट ऑफ द रोप, रस्सी का टुकड़ा, बचा हुआ जो रस्सी का टुकड़ा, इन टू थ्री पार्ट, उसको थ्री पार्ट में बांट देना है, ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर लंबाई की। क्या करना है? बचे हुए शेष रस्सी को तीन बराबर भागों में बांट देना है। तो हम तीन से डिवाइड कर देंगे, तीन इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, वही ईच पार्ट की कितना लेंथ होगा वो मालूम हो जाएगा। तो आपको प्रोसेस क्या करना है? आपका जो टोटल रस्सी का लेंथ है उसमें से माइनस कर देना है, ये लेंथ माइनस। After that, divided by 3, जो आपका रिजल्ट मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया? क्लियर हो गया? इस लेंथ में से ए लेंथ माइनस ए, आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा डिवाइडेड बाई 3 एंड देन रिजल्ट, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? 13 आपका कह रहा है कि 3 whole 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹270 होल 3x8, यानी 3 whole 1/2 लीटर, यानी 3.5 लीटर आपका पेट्रोल है जिसका कॉस्ट कितना है, इतना लीटर का कीमत, कॉस्ट माने कीमत, ठीक। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर, 4 लीटर का कीमत कितना होगा। जैसे इसको इस तरह से समझे, मान लिया 2 लीटर पेट्रोल का कीमत है 160 रुपया, मान लीजिए 2 लीटर पेट्रोल का कितना है कॉस्ट, 160। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर का हम निकालना चाहेंगे। तो जब 2 लीटर, द कॉस्ट ऑफ 2 लीटर इज 160 रुपीज,
इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 160 का हाफ हो जाएगा सीधा, यानी 80 होगा ना, उसको काट दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 लीटर का जो है से आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13, 1 लीटर का निकाल लेंगे, इसमें 3.5 लीटर का दिया हुआ कोस्ट कितना, तो 1 लीटर के लिए इतना डिवाइडेड बाई इतना, इसमें से 270/3/8 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइड कर दिया, 1 लीटर का मिल गया। आफ्टर दैट जितने लीटर का पूछेगा कीमत, फिर जैसे 4 लीटर का पूछ रहा है तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 270/3/8 डिवाइड 3/1/2। ये पहले जो है से फर्स्ट इसका जो है से सोल्यूशन निकाल लेंगे, आफ्टर दैट डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डिवाइड 3 करके उसके बाद कैलकुलेशन आप करके डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आ गया था। इसमें हम फिर एक बार सुन लीजिए, 270/3/8 डिवाइड 3/1/2 एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाई 4, गुना करना है, ये डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर का मिल जाएगा कॉस्ट, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लीटर का मिल जाएगा। इस तरह से इसको आप कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 14, समझेंगे अच्छी तरह से इसको। राजेश अर्न्स 40,000 रुपीज, कितना कमाता है राजेश, 40,000 रुपया, ठीक है। राजेश कितना कमाता है, 40,000 यानी 40,000 रुपये कमाता है पर मंथ। ही स्पेंड, खर्च कितना करता है, स्पेंड मीन्स खर्च करना होता है, अर्न्स मीन्स कमाना होता है, यानी इनकम कहिए, राजेश का इनकम कितना, 40,000 है, और इसमें खर्च कैसे कैसे करता है, 40,000 जो ये कमाया उसको किस मद में कितना खर्च करता है ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें खर्च करता है ही स्पेंस, वह खर्च करता है 3/8 ऑफ द इनकम, आपका इनकम कितना रुपया है, 40,000 रुपया, खर्च कितना करता है, 3/8 ऑफ 40,000, 40,000, इसको कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे। फूड ये किस पर खर्च करता है, भोजन पर, ही स्पेंड ऑन फूड लिखेंगे, ही स्पेंड्स ऑन फूड 3/8 ऑफ 40,000, उसके बाद जो है से काट के लिख देंगे किस मद में, फूड के मद में, क्लियर। आफ्टर दैट 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग निकालेंगे, जो खर्च किया वो हम 40,000 में से जितना फूड पर खर्च किया है उसको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो है से मिल गया पार्ट, वो रिमेनिंग पार्ट का हम 1/5 करेंगे, 1/5 ऑफ रिमेनिंग जो घटाने के बाद निकलेगा, ये आपका LIC प्रीमियम पर, ये आपका किस पर करता है, LIC प्रीमियम पर, एक खर्च करता है फूड पर, ध्यान दीजिएगा फूड पर कितना खर्च करता है ये हम रखेंगे माइंड में, LIC पर कितना खर्च करता है ये हमको माइंड में रखेंगे, एंड देन फिर रिमेनिंग करेंगे, रिमेनिंग जितना जो है से बचा था उसका जो हम 1/5 प्राप्त करेंगे, वो पुनः रिमेनिंग फिर घटा करके जो है से रिमेनिंग पर करेंगे, और उस रिमेनिंग का 1/2 निकालेंगे अदर एक्सपेंस, अन्य खर्च पर। 3 को मालूम करना है, पहला मालूम करना है फूड पर, फिर LIC प्रीमियम पर खर्च करता है, और फिर अन्य खर्च पर जो है से 1/2 हाफ उसका जो है से आप कहिए अन्य खर्च करता है।
फाइंड हाउ मच मनी ही लेफ्ट विथ, उसके बाद उसके पास कितने मनी और बच जाते हैं, ये निकलना है। 40,000 टोटल है इनकम, इसमें से फूड पर खर्च किया पहले, वो खर्च करने के बाद जो बच गया उसका जो है से फिर प्रीमियम पर खर्च किया, LIC प्रीमियम यानी जमा किया जाता है, हर निश्चित समय पर कुछ रुपये जमा किया जाता है भविष्य के लिए, तो LIC प्रीमियम के लिए जो है जमा किया, और उसका रिमेनिंग का 1/2 जमा करता है अन्य खर्च पर, तीन जगह खर्च करता है, तो तीनों जगह का खर्च ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 40,000 जो है 40,000 उनका इनकम उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट मनी कितना उनके पास बच जाता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। 40,000 कमाता है उसका इनकम है, हम निकाल लेंगे फूट पर, बता दिए कैसे निकालेंगे, 3/8 ऑफ 40,000 करके काट करके वो निकाल दिए फूट पर, फिर घटाने के बाद 1/5 निकाल लेंगे जो है से LIC प्रीमियम पर, फिर उसका रेस्ट घटा करके फिर जो है से 1/2 जो है से निकाल लेंगे अदर एक्सपेंसेस पर, तीनों तीनों को ऐड करके 40,000 में घटा देना है। ओके, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, पूरा के पूरा जो है से सॉल्यूशन हम ही को बनाना पड़ेगा, आप भी बनाइए इसको समझिए। अब है ये देखिए 15, ABCDE, ABCDE पांच फ्रेंड्स कहिए, 5 फ्रेंड्स हैं, जाते हैं डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में, यानी होटल में, बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट होता है, ठहरने का खाने की सब व्यवस्था होता है, तो वहाँ जाते हैं, 5 साथी हैं, वेंट जाते हैं टू ए रेस्टोरेंट में जहाँ भोजन किया जाता है फॉर डिनर, भोजन के लिए। अब इसमें से ए कितना पेड करता है, ए करता है आपका पेड 1/2 ऑफ द बिल, बिल यहाँ साइलेंट है, टोटल बिल कितना जो है से हुआ रेस्टोरेंट वाला जो मालिक है, एक बार टोटल जो है से बिल समझेगा ना, अब कैसे कैसे देना है प्रत्येक को आपका क्वेश्चन जो है से बतलाएगा, तो टोटल भी यहाँ साइलेंट रखा गया है, टोटल बिल को मान लीजिएगा 1, टोटल बिल को यहाँ क्योंकि फ्रैक्शन बताना है हमको लास्ट में, यहाँ बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाय ईच, इसलिए हम मान लेंगे टोटल बिल को 1 मान लेंगे, और उसका पार्ट चलेंगे कितना जो है से पार्ट कौन किसका शेयर होता है, तो 1 हम मान लेंगे, टोटल बिल हम मान लेंगे कितना 1 जो है से हम मान लिया टोटल बिल जो है ए पेड करता है 1/2 ऑफ द बिल, ये कितना हो गया पेड बाय ए, हम शॉर्ट में समझा देते हैं, आप इसको डिटेल लिख देंगे, समझ गए, बिल पेड बाय ए को लिख देते हैं, बिल पेड बाय ए 1/2 ऑफ बिल 1 है यानी कि 1/2, ए 1/2 जो है सब हो गया पेड किया है, पूरे बिल का हाफ पेड कर दिया, बी पेड 1/5, 1/5 जो है सर बिल का कितना करता है बी, तो बिल पेड बाय बी इस तरह से लिख करके, ये हाइफन का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वही हमको पुनः लिखना है, समझ रहे हैं, बिल पेड बाय, तो बिल पेड बाय ए है तो बिल पेड बाय बी, ये बी जो है सर कितना पेड करता है, तो उसी टाइप से है 1/2 वाला निकला, तो ये 1/5 ऑफ 1 यानी कि 1/5, 1/2 करता है 1/5 करता है। अब है रेस्ट बिल कितना आपका हो जाएगा, रेस्ट बिल निकाल देना है, रेस्ट बिल निकालने के बाद उसका जो है से इक्वल CDE, ये तीनों जो है 2 को के निकल गया है बी का, और 3 का जो है तो तीनों बराबर बराबर जो शेष बचता है ना उसका बराबर बराबर शेयर
देता है, बिल पे करता है। तो एक का क्या करना है, टोटल बिल में से 1/2 प्लस ये दोनों का बिल जो है हम घटा देंगे, 10 एलसीएम हो गया, 5 प्लस 2 7 10/10 हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 10 माइनस 7 यानी कि 3/10। ये जो आपका रेस्ट जो बचा है पेट करने के लिए, ये तीनों मिलके इक्वल इक्वल पेट करता है, सी डी एंड ई। बिल यहाँ दिया हुआ है, बिल वाज शेयर्ड इक्वली बाय सी डी एंड ई, इक्वल कितना करता है तो इतना को डिवाइडेड कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे सी डी एंड ई, द बिल वाज शेयर्ड, डिवाइड इसमें कर देंगे 3/10 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 यानी देखिए 3/10 डिवाइड 3 यानी 3/10 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल आपका 1/10, यही फ्रैक्शन आपको बच जाता है, यही फ्रैक्शन बचता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल वाज पेड बाय ईच। ये तीनों सी डी और ई है, ये कितना फ्रैक्शन में जो है से कितना पेड किया, तो पूरे बिल का 1/10 ये फ्रैक्शन आपका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा समझ करके इसको बनाएंगे। टोटल हमने जितने भी इस एक्सरसाइज का 1G का टोटल तो बना चुका, 1 to 11 तक जो है से हमने आप लोगों को सिखा चुका। ये लास्ट आपको 15 क्वेश्चन थे जिसमें ये 4 क्वेश्चन अभी हमने समझाया, वैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा बाद में फिर कभी जो है से अगले वीडियो में बता दूंगा जैसा आप रिप्लाई दें। तो इस तरह से फिर एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिए, पर इसमें क्या करना है, रसी का टुकड़ा है, इसमें से जो है से इतना माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई 3 कर देना है, यानी इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे, बस अब समझाने के काम, सब सॉल्यूशन जो है से टीचर ही नहीं करेंगे, आप लोग भी कुछ कीजिए, ऐसा मेहनत कीजिएगा वैसा पाइएगा। ये है यहाँ 325 और 4/5 माइनस 150 और 3/5 ये माइनस कर देना है, तो रेस्ट इसको रेस्ट जो है पीस ऑफ रोप रस्सी का टुकड़ा, और इसमें डिवाइड 3 पार्ट में इक्वली कर देना है, डिवाइडेड बाय 3, बस ये सिंपल जो है ये क्लियर कर देना है, ये बन जाएगा। तो मेन फ्रैक्शन जो चैप्टर था लगभग समाप्त हो चुका है, वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में जो है जानना था। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज दिया है, जो पीछे आप जितना भी पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज्ड किया है, जो हम HW के रूप में दे चुके हैं। आपका एक्सरसाइज 1G ना है, 1
एच डब्ल्यू के लिए दिया हुआ है आपको बनाने के लिए, सब जितना बनाए हैं वही सब क्वेश्चन है, बस यही लास्ट है, उसके बाद आगे अभ्यास के लिए दिया हुआ है, आप बनाएंगे। संभवतः अगले वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या पढ़ना है चैप्टर 2 में? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो आज बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।